मॉर्निंग स्टूडेंट, क्लास सेकेंड, सब्जेक्ट हिंदी। देखिए बच्चों, हम लोग 20 लेसन सपने, 20 लेसन था और नाम था लेसन का सपने। तो जो बच्चों के द्वारा ये सपना देखा हुआ था उसका हम लोगों ने पोयम पढ़े, और हो सकता है आपको ये लेसन का पोयम भी आप लर्न कर लिए होंगे, क्योंकि बहुत ज़्यादा टफ पोयम नहीं था, बहुत इजी और सुंदर पोयम था। इसके बाद इसका अभ्यास क्वेश्चन जो है हम लोग राइट कर लिए थे पूरा। पहला था टिक द करेक्ट आंसर, दूसरा था पोयम को कंप्लीट करना है, और तीसरा है सही जोड़े मिलाना था। इसके बाद देखिए बच्चों, हम लोगों ने उस दिन बुक वर्क कंप्लीट किया था, तो बुक वर्क में हम आपको शब्द बोध भी कंप्लीट करा दिए थे, और सुलेख में आपको नन्हा दौड़ न्यारा लुभाते साइकिल नगरी होमवर्क में कहे थे कि आप कर लीजिएगा, कर भी लिए होंगे, क्योंकि 1 मार्च से अब स्कूल खुलने वाला है, तो आप लोग आएंगे तो जितना भी होमवर्क दिया गया था वो देखा जाएगा। इसके बाद है व्याकरण बोध, ये भी हम लोग कंप्लीट कर लिए थे, इसमें भी रिक्त स्थानों की पूर्ति करना था, और ऑप्शन में कोष्टक में क्वेश्चन दिए गए थे, सॉरी आंसर दिया गया था, और उसमें से कौन सा आंसर सही है उसको राइट करना था। इसके बाद था दूसरा क्वेश्चन था निम्न शब्दों के वर्ड अलग करके लिखिए, तो हम लोगों ने वर्ड अलग भी करके लिखे भी, और हम आपको होमवर्क में भी दिए थे लिखने के लिए, तो आप उसको राइट भी कर लिए होंगे। इसके बाद था आप बड़े होकर क्या बनना चाहते हो, 2-3 पंक्तियों में लिखिए। तो आप क्या बनना चाहते हो बड़े होकर, जैसे आप सपने में डॉक्टर भी बन जा रहे हो, इंजीनियर भी बन जा रहे हो, टीचर भी बन जा रहे हो, जो सपने में सोचते हो सब बन जा रहे हो, तुम्हारी सारी आशाएं पूरी हो जा रही है, लेकिन आप रियल में क्या बनना चाहते हो उसको आप 2-3 पंक्तियों में लिखिएगा। ठीक, ये आप अपने से सोच के लिख लीजिएगा कि आप क्या बनना चाहते हो। इसके बाद है बच्चों, देखिए बुक वर्क हम लोगों ने कंप्लीट कर लिए थे, अब बचा था कॉपी वर्क, तो कॉपी वर्क में क्वेश्चन का आंसर राइट करना था। आइए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4, पेज नंबर 76 में क्वेश्चन नंबर 4, पेज नंबर 76, और क्वेश्चन नंबर 4 था निम्न लिखिए, प्रश्नों के उत्तर दीजिए, उत्तर दीजिए। देखिए बच्चों, क्वेश्चन नंबर क, सपने सबको, सपने सबको कैसे लगते हैं, कैसे लगते हैं, आंसर है। देखिए दिया है यहाँ पे पोयम में, सबके मन को भाते सपने, हमको खूब लुभाते सपने। तो सबके मन को सपने सबको कैसे लगते हैं, सपने सबको, सपने सबके, सबके मन को लुभाने वाले सपने, सबके मन को लुभाने वाले लगते हैं, ये आप राइट कर लीजिए बच्चों। इसके बाद है प्रश्न नंबर ख, ख है सपनों में, सपनों में क्या
चीज पूरी हो जाती है। सपनों में क्या चीज पूरी हो जाती है? सपनों में हर आशा पूरी हो जाती। तो सपनों में हर आशा, आशा यानी इच्छा, हर आशा पूरी हो जाती है, हो जाती है। ठीक, आप इसको राइट कर लीजिए। इसके बाद है ग, क्वेश्चन नंबर ग। क्वेश्चन नंबर ग देखिए बच्चों, गोलू सपने में क्या बन गया? कौन? गोलू। गोलू सपने में क्या बन गया? तो देखिए पोयम में क्या दिया गया है, आइए देखते हैं पोयम में क्या दिया है कि गोलू क्या बन गया। देखिए दिया है, एक रात राजा बन बैठा सपने में नन्हा सा गोलू। तो क्या बन गया? गोलू सपने में राजा बन गया। क्या बन गया? राजा बन गया। इसको आप राइट कर लीजिए। इसके बाद दो क्वेश्चन और है बच्चों, ऊपर लिखते हैं, नीचे क्वेश्चन तो अच्छे से दिखेगा, आंसर नहीं दिखेगा। तो आप इसको राइट कर लीजिए। चलिए हो गया होगा, आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर दो। क्वेश्चन नंबर फाइव है, जानू ने हवा में कैसे दौड़ लगाई? हवा में कैसे दौड़ लगाई? तो देखिए पोयम में है, और हवा में दौड़ लगाता साइकिल पर चढ़कर जानू। तो साइकिल पर चढ़कर लगाई, इस पे साइकिल पे जानू ने हवा में साइकिल पर चढ़कर दौड़ लगाई। जानू ने कैसे दौड़ लगाई? जानू ने हवा में कैसे दौड़ लगाई? साइकिल पर चढ़कर दौड़ लगाई। अब क्वेश्चन नंबर अंग है, पंछी बनकर आकाश में उड़ना
क्यों? इसका आंसर पोयम में लिखे क्या दिया है, पंछी बन आकाश में उड़ता उड़ना लगता कितना प्यारा है, लगता कितना प्यारा है। तो पक्षी बनकर, पक्षी बनकर आकाश में उड़ना हमें प्यारा, हमें प्यारा लगता, प्यारा लगता है। ये आप आंसर बच्चों राइट कर लीजिए, हमें पंछी में, हम पंछी बनकर आकाश में उड़ना हमें अच्छा लगता है या प्यारा लगता है। आप इसको राइट कर लिए होंगे। इसके बाद देखिए बच्चों, ये लेसन जो है बिल्कुल कंप्लीट हो गया। अब उसके बाद आइए हम, जैसे इसमें शब्द बोध में दिया है, मिलते जुलते शब्द लिखिए। इसके बाद हम आपको कुछ होमवर्क में समानार्थी शब्द लिखने के लिए देते हैं। ये चैप्टर से बिल्कुल अलग रहेगा बच्चों, चैप्टर से नहीं मतलब है, ये बस केवल हम आपको होमवर्क के होमवर्क में है, निम्नलिखित शब्दों के पर्यायवाची लिखिए, पर्यायवाची देखिए बच्चों, मित्र वन टू थ्री, कम से कम थ्री लिखिएगा, बूढ़े वन टू थ्री, पेड़ भगवान पानी हवा पानी हवा बादल दिख रहा है ना, बादल
हाथी, पत, कोयल, कौवा। देखिए बच्चों, ये हम आपको होमवर्क में राइट करने के लिए दिए हैं, तो आप इसको होमवर्क में राइट करिएगा। मित्र का पर्यायवाची क्रम है, यानी समानार्थी शब्द, समानार्थ वाले। जैसे एक हम बता दे रहे हैं आपको, मित्र का क्या होगा? सखा, दोस्त, सखा, दोस्त और साथी। क्या होगा? साथी, सखा, दोस्त, साथी। इसके बाद है बूढ़ा, वृद्ध। क्या होता है? वृद्ध, बुजुर्ग, वयोवृद्ध। वृद्ध, बुजुर्ग, वयोवृद्ध। ऐसे ही पेड़ का वृक्ष, तरुण, पादप, भगवान को प्रभु, ईश्वर और क्या कहते हैं? देव। तो ये ऐसे ही क्या है? समानार्थी शब्द लिखता है, यानी इन्हीं के जो समान अर्थ वाले, जैसे मित्र, सखा, दोस्त, साथी, सब एक ही है। चाहे उनको मित्र कहिए, चाहे सखा कहिए, चाहे साथी कहिए, चाहे दोस्त कहिए, सारा चीज एक ही चीज है। तो ऐसे ही बूढ़े को और क्या क्या कहते हैं? पेड़ को, भगवान को, पानी, हवा, बादल, हाथी, पत्र, कोयल, कौवा। आप इसको होमवर्क में राइट कर लेंगे। ये आपको होमवर्क मिला है। इसके बाद बच्चों, ये 20 जो लेसन था वो बिल्कुल कंप्लीट हो चुका है। इसके बाद है आदर्श प्रश्न पत्र, तो ये आप होमवर्क राइट कर लीजिएगा और कल हम लोग आदर्श प्रश्न पत्र फर्स्ट को राइट करेंगे। तो आज तक के लिए इतना ही। बाय बाय स्टूडेंट।